तो आखिरकार मेरी लाइफ में वो पल आ गया जो हर एक वीडियो बनाने वाले की लाइफ में आता है, कंटेंट की कमी। नहीं भाई, कोई कंटेंट की कमी नहीं है, मैं बस ये वीडियो बनाने के लिए सब बोल रहा हूँ। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए अपने घर पे बैठा था और कुछ सोच रहा था, तो सोचते सोचते मुझे याद आया एक ऐसी जगह भी होती है जहाँ पर कंटेंट की कोई कमी नहीं है। तो भाई उस जगह का नाम है यूट्यूब। तो यार मैंने जल्दी से अपना बोरिया बिस्तरा इकट्ठा किया और चल पड़ा एक ऐसे सफर पे जहाँ पर मेरे को कंटेंट की तलाश थी। पूरी एक मिनट की रिसर्च के बाद मेरे को ये सब मिला। तो मैंने इन सबको लिया एक बुरे सपने की तरह और मैं चल पड़ा अपने सफर में आगे। तो आगे चलने के बाद मेरे को मिला ये। भाई कितने वीडियो बनाओगे यार इस पर, अब तो रहने दो। 100 डेज, 15 डेज, 300, 400, 500, भाई ऐसे एक काम करो बनाते जाओ, 1000, 2000 इतने सब कुछ बना दो। तो क्या यार मुझे भी इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, आप मेरे को कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। तो YouTube की गलियों में पूरे आधे घंटे भटकने के बाद मुझे लगा मेरे को यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला। उसके बाद मुझे याद आया कमेंट्स, आप सभी कुछ कमेंट तो करते होंगे ना, तो देखते हैं उनके ऊपर वीडियो बन सकता है या फिर नहीं बन सकता। तो जितने भी आप सभी ने कमेंट्स किए तो उन सब में मुझे जो टॉपिक अच्छा लगा वो है स्काई ब्लॉक। तो यार जैसे मेरे को स्काई ब्लॉक के बारे में पता चला तो मैं फिर से निकल पड़ा यूट्यूब की गलियों में एंड मैंने सर्च किया व्हाट इज स्काई ब्लॉक और मुझे मिला ये सब। तो यार इन सब वीडियो को देखने के बाद मेरे को समझ में आ गया स्काई ब्लॉक होता क्या है और मेरे सामने अब सबसे बड़ी समस्या थी स्काई ब्लॉक मैप की। तो इस समस्या को दूर करने के लिए मैं निकल पड़ा एक और सफर पर। तो पूरे 5 मिनट बिताने के बाद मुझे पता लगा एक ऐसी वेबसाइट भी होती है जहाँ पर आप सभी को सब कुछ मिलता है माइनक्राफ्ट से रिलेटेड। तो यार यहाँ पर जाने के बाद मैंने सर्च किया स्काई ब्लॉक और मेरे को मिला ये वाला मैप एंड मैंने फटाक से इस वाले मैप को उठाया और डाल दिया अपने सर्वर में। अब आप सभी सोच रहे होंगे तो इस मैप को प्ले भी तो कर सकता था, तूने सर्वर क्यों बनाया? मैंने सर्वर इसलिए बनाया क्योंकि मुझे शो भी तो करना था आप सभी के सामने। नहीं भाई, सर्वर मैंने इसलिए बनाया क्योंकि फ्यूचर में मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि आप लोग भी इस वाले मैप में प्ले कर सको। उसके बाद मुझे लगा अब चलना चाहिए इस वाले स्काई ब्लॉक सर्वर के अंदर एंड देखते इसके अंदर है क्या। तो गाइस यूट्यूब से दुनिया भर का ज्ञान लेके मैं पहुंच गया स्काई ब्लॉक सर्वर के अंदर एंड आप सभी देख सकते हो मैं आ गया हूँ स्काई ब्लॉक के अंदर। ये देख सकते हो स्काई ब्लॉक का मैप ये रहा। हाँ, तो जैसा मेरे को यूट्यूब पे बताया गया था इसके अंदर आप सभी को मिलने वाला एक ट्री, तो देख सकते हो ये वाला ट्री ये रहा। एक मिलने वाली है आप सभी को चेस्ट, तो देख सकते हो चेस्ट ये रही और चेस्ट के अंदर आप सभी को मिलती है ये सब चीजें। एंड मेरे को वेबसाइट से पता लगा आप सभी को यहाँ पर एक बुक भी मिलेगी और इस बुक के अंदर आप सभी को जो चैलेंज दिए गए वो सब है, जैसे रूल्स एंड चैलेंजेस। तुम्हारा सबसे पहला चैलेंज है बिल्ड ए कब्लस्टोन जनरेटर। तो यार अब सबसे बड़ी बात ये हो जाती है आखिरकार कब्लस्टोन जनरेटर होता क्या है। तो यार ये सब जानने के लिए मैं फिर से चला गया यूट्यूब पे। तो यार जैसा मेरे को यूट्यूब पे बताया गया था आप सभी को स्काई ब्लॉक में सबसे पहले ये ट्री तोड़ना पड़ता है। अब मुझे पता नहीं क्यों तोड़ना पड़ता है, बस बताया गया था तोड़ना पड़ता है। ये क्या है? तो यार इस ट्री को इसलिए तोड़ना पड़ता है क्योंकि ऐसे ट्रीज आपको और भी चाहिए और वो ट्री जब भी मिलेंगे जब ये ट्री टूटेगा, क्योंकि जब ये ट्री टूटेगा इससे आप सभी को मिलेगी सैपलिंग्स। ये सब मैंने यूट्यूब से जाना है। तो यार इसके अंदर हमारा सबसे पहला काम होने वाला है इस ट्री को तोड़ने का। तो यार फटाफट तोड़ लेते हैं, देर क्यों करनी, और मेरे को लग रहा है यहाँ पे रात भी होने वाली है। तो भाई तोड़ देते हो फटाफट एंड अगर ये वुड नीचे गिर गई ना तो मेरे सच में लग जाएंगे। अरे ओ बैस की टाइम, ये गलत हुआ मेरे साथ भाई, देख सकते हो आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए ध्यान से तोड़ना। और देख सकते हो जो आखिरी वाली बुड होने वाली है मैं उसको नहीं तोड़ूंगा। क्यों नहीं तोड़ूंगा, अगर उसको तोड़ दिया ना तो ये सारा ट्री एक बार में नीचे गिर जाएगा। उसके बाद हमारा काम होने वाला है सबसे पहले प्लैंक्स बनाना एंड उसके बाद बनाना एक क्राफ्टिंग टेबल। ये सब मैंने ये सब मैं जानता हूँ यार, ये सब मैं यूट्यूब से नहीं किया, मैंने नहीं किया यार। इसके बाद आप सभी को ये प्लैंक्स है इससे बना लेना है स्लैब्स बना लेना है इससे, देख सकते हो ये वाले स्लैब एंड इन स्लैब्स को आप सभी को लगाना है यहाँ पर। और यहाँ पर क्यों लगा रहे हैं, जैसा उस बंदे ने मेरे को यूट्यूब पे बताया था, इसलिए ताकि ये ऊपर जो सैपलिंग गिरेगी वो नीचे ना गिर जाए जैसे अभी वुड गिरी थी। वैसे अगर ये गिर जाएगी ना तो आप सभी को घंटा सैपलिंग नहीं मिलने वाली एक भी, तो इसलिए पहले से अपना जुगाड़ करके चलो भाई। तो यार आखिरकार ये जो आखिरी वुड बची इसको तोड़ लेते हैं। जैसे मैं इस वाली वुड को तोड़ूंगा तो यहाँ पर होने वाला है बहुत खतरनाक धमाका, देखते हैं कितनी सैपलिंग्स आप सभी को मिलती है। तो गाइस पूरी रात जग के गुजारने के बाद आखिरकार मुझे
3 सैपलिंग्स मिल चुकी है। ये सैपलिंग्स मिलने के बाद सच में मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है। तो स्कूल मिला के इस स्काई ब्लॉक में हमारे पास 35 चैलेंज है, तो हमको कंप्लीट करने हैं 35 चैलेंज है। ऐसा आप सभी देख सकते हो इस बुक में, मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। तो कुल मिला के 35 चैलेंज है और एक एक करके हमको सबको कंप्लीट करना है। तो क्या मैं ये सब कर पाऊंगा? नहीं। तो यार जो हमारा सबसे पहला चैलेंज था, अब करते हैं उसको कंप्लीट। भाई ये चैलेंज थोड़ा सा हार्ड होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर हमें ये सब निकालना है, देख सकते हो हमें निकालना है 4। देख सकते हो यहाँ से 3 कितने हो गए भाई, 3 निकाली, मेरे को एक और निकालना है यहाँ से ये। अरे किधर गया? ये गलत बात है यार भाई, देखो पहले मेरे पास कमी थी यार, डर्ट की कमी थी, डर्ट नीचे गिर गई। भाई ये सब किसके साथ होता है? मेरे साथ होता है। क्यों होता है पता नहीं क्यों होता है। भाई यहाँ पर मेरा सारा सीन गड़बड़ हो गया यार, मैं करना क्या चाहता हूँ और मेरे साथ होता क्या ये मेरे को नहीं पता यार। देख सकते हो मैंने कुछ गड़बड़ तो अभी तक की नहीं है, लेकिन मैं गड़बड़ करने ही वाला था वैसे। तो यहाँ पे आप सभी को यहाँ पर लगाना है ये वाला, एंड ये वाला पानी यहाँ पर डाल देना, एंड लावा डालना है आप सभी को यहाँ पर। तो थोड़ा दूर भागता हूँ नहीं तो ये लावा साला मेरे ऊपर आ जाएगा ना। तो इसके बाद आप सभी को कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा ध्यान रखना है, एंड इस पानी को यहाँ से मतलब बर्फ़ को पानी बना देना है। तो देख सकते हो यहाँ से मैंने बर्फ़ को पानी बना दिया, ये कितना अच्छा था और कितना ईजी था। उसके बाद आप सभी को तोड़ना है इस वाले ब्लॉक को। जैसे आप इस वाले ब्लॉक को तोड़ते हो तो यहाँ पर बन जाता है कब्लस्टोन जनरेटर। भैया मजा आ गया, मजा देख के। तो यार इतना मजा मेरे को कभी नहीं आया, आज यह है पता नहीं क्यों आया है। तो यहाँ पर ये 2 लगा देता हूँ मैं, नहीं तो यार हमारी काम हो जाएगा, हमारा सच में हमारा काम हो जाएगा। तो यार अब हमको वेट करना है इन सब ट्रीज का बड़ा होने का। तो जो आज का चैलेंज था एक कब्लस्टोन जनरेटर बनाने का, वो कम्प्लीट हो चुका है। जैसे आप इस कब्लस्टोन को तोड़ोगे तो यहाँ पर एक और कब्लस्टोन आ जाएगा। तो तोड़ते हैं यार इसको, देखते हैं आता है या नहीं आता है। जैसे मेरे पास कुछ भी नहीं है तो टूट जा भाई, टूट गया, आ जा, ये देख सकते हो। तो यार सब कुछ हमें अब इसी की मदद से करना है, देख सकते हो। वैसे पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन जितना भी मैंने YouTube से ज्ञान प्राप्त किया है, देख सकते हो मैं प्राप्त करता हूँ ज्ञान, मैं पूरा लगाने वाला हूँ इधर। एंड ये ट्रीज है ये जल्दी से बड़े हो जाए तो हमारा काम हो जाए यार, कुछ भी नहीं है। और तो अब मैं फटाफट देख लेता हूँ नेक्स्ट हमारा चैलेंज क्या होने वाला है। वैसे ये वाला चैलेंज इतना भी मुश्किल नहीं था, यूट्यूब की मदद से बिल्ड ए ट्री फार्म। वैसे ये चैलेंज थोड़ा मुश्किल होने वाला है हमारे लिए, बिल्ड ए ट्री फार्म, हमको एक ट्री फार्म बनाना है जो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है मैं भी, क्योंकि यार यहाँ पर जगह नहीं है। पहले तो हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा ये वाला पूरा आइलैंड थोड़ा सा, एंड उसके बाद ही हम बना पाएंगे ट्री फार्म। तो यार थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हम पूरी कोशिश करेंगे बनाने की ट्री फार्म। और आज का जो चैलेंज था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो ये चैलेंज कुछ बड़ा नहीं था, हमको बनाना था एक कब्लस्टोन जनरेटर, और हमारा कब्लस्टोन जनरेटर बन गया है। एंड जो नेक्स्ट हमारा इसमें टास्क या फिर चैलेंज होने वाला है वो होने वाला एक ट्री फार्म। तो ट्री फार्म वाला चैलेंज मैं एक्सेप्ट करूँ, उससे पहले मैं 2 काम इसमें करना चाहता हूँ। जैसे ये चौथा जो चैलेंज है एक्सपेंड द आइलैंड, सबसे पहले हम ये करेंगे। इसके अलावा हम बनाएंगे घर, घर वाला भी हम कंप्लीट कर लेंगे, एंट्री फार्म भी हम कंप्लीट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है यार, मैं कर दूंगा, देखना इतना अच्छा ट्री फार्म बनाऊंगा आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। तो यार इसमें काफी सारे मजेदार चैलेंजेस है, आप सभी को भी देखने में मजा आएगा, एंड मुझे भी इस वाले मैप को प्ले करने में मजा आने वाला है। तो यार क्या आप चाहते हो कि आगे जब ये चैलेंज पूरी हो जाए एंड मेरा आइलैंड काफी एक्सपेंडेड हो जाए और स्काई ब्लॉक थोड़ा बड़ा हो जाए, तो क्या आप सभी को भी मौका दूं इसमें खेलने का? आप सभी चाहते हो क्या? तो यार प्लीज एक अच्छा सा कमेंट कीजिए नीचे। तो आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कर देना है, कि यार काफी ज्यादा मेहनत लगी है बनाने में। तो आप सभी को मैं बोलूंगा ऐसे ही कमाल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।